हेलो दोस्तों। तो चलिए इसमें देखते हैं हम इस लेक्चर में यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 में। ठीक है, इसका मुख्यालय जो पेरिस में है फ्रांस में, और इसमें सदस्य देश हैं 195 और 11 सहयोगी सदस्य भी हैं। आपको बता दें अमेरिका और इजराइल ने 2019 में सदस्यता त्याग दी है, 2018 में घोषणा की कर दी थी और 2019 में त्याग दी है। अब 193 सदस्य बचेंगे। और इसके स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 37 देशों के प्रतिनिधियों ने शांति के प्रयास के लिए की थी। इसके महानिदेशक की बात करें तो इसके महानिदेशक हैं आंदे अजोले। ठीक है, उद्देश्यों की बात करें तो यूनेस्को के उद्देश्यों में शामिल है शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृति के माध्यम से शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। यूनेस्को के कार्य क्षेत्रों की बात करें तो शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक एवं मानव विज्ञान, संस्कृति, सूचना एवं संचार, सांस्कृतिक स्थलों परंपराओं के लिए वैश्विक विरासत कार्यक्रम। भारत में यूनेस्को से प्राप्त मान्यता प्राप्त स्थलों की बात करें स्थलों की तो उन टोटल हो गए 38। ठीक है, 29 हैं सांस्कृतिक, पहले थे 29 जिनमें एक जयपुर अभी 2019 में जुड़ गया, और साथ हैं प्राकृतिक, एक है मिश्रित कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये मिश्रित है। ठीक, ये विश्व विरासत स्थल है भारत में। इसकी वैश्विक प्राथमिकता देखते हैं यूनेस्को की तो अफ्रीका लिंग समानुपात इसकी वैश्विक प्राथमिकता में शामिल है। यूनेस्को के प्राथमिक समूहों की बात करें तो स्थानीय लोग, युवा, छोटे द्वीप, विकासशील देशों, देश, अल्पविकसित देश इसके प्राथमिक समूह में। आपको बता दें जयपुर को अभी जो विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला है अभी 2019 में अजरबैजान बाकू में इसकी बैठक हुई है, उसी में मिला है। ठीक है, अब टोटल 38 हो गए भारत में विश्व विरासत स्थल। तो ये था दोस्तों यूनेस्को।